बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एस्ट्रोटक के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी के जीवन में इसी प्रकार से रंग घोलते रहे, ऐसी शुभ मनोकामना के साथ मैं इस कार्यक्रम को लेकर आया हूं आप सभी के समक्ष। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, आज के दिन रंगों को खेलने के साथ साथ आप सभी को भगवान श्री कृष्ण को भोग भी लगाना है। और कहा जाता है कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को जो मन से मना लेता है उसके जीवन के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जो भक्त मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता हूं। तो होली के इस पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण को मनाने का आपके पास एक सुनहरा मौका है। भगवान को भोग इस प्रकार से लगाइए कि जीवन के सभी संकटों का नाश हो जाए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भगवान को ऐसा क्या भोग लगाएं जिसके माध्यम से उनकी कृपा आपके घर पर बनी रहे। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी सुनने व समझने को मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि गुड़ से बनी गुजिया छोटी छोटी बनानी है, बड़ी नहीं बनानी, छोटी छोटी गुड़ से बनी गुजिया जो है आपको बनानी है, गुड़ के माध्यम से बनी हुई। क्योंकि गुड़ हमारे हिंदू शास्त्र में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे शुद्ध वस्तु मानी जाती है। तो गुड़ से बनी गुजिया अगर आप बनाते हैं छोटी छोटी और उसका भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाते हैं तो आपके जीवन के अंदर उन्नति के मार्ग अवश्य ही प्रशस्त होंगे। एक घी का दीपक जला करके भगवान को गुड़ से बनी गुजिया का भोग जरूर लगाइए, बहुत फायदा होगा, बहुत उन्नति होगी। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण को अगर आपके घर में छोटे लड्डू गोपाल जी हैं तो भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान करा करके जो है उनका ध्यान कीजिए और उस पंचामृत को जो है आप सभी थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में जरूर ग्रहण करें। आपके जीवन के सभी संकटों का, जीवन के अंदर उन्नति के मार्ग आपके अवश्य ही प्रशस्त होंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि भगवान की पूजा करने के बाद ही अपने घर में होली खेलना शुरू करें। वैसे तो देखिए घर के अंदर ही आप होली मनाएं तो ज्यादा अच्छा है, किसी सामूहिक जगह पर जाने से आजकल जो कोरोना फैल रहा है उसकी वजह से भी जो है मैं आपको हिदायत दूंगा कि अपने घर में ही होली खेलें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जीवन जो है वो बचाना भी सबसे जरूरी है। तो क्यों ना आप होली के इस पावन पर्व पर रंगों के साथ खेलने के साथ साथ कृष्ण को भी मनाएं। तो आपको ये उपाय करना है, पंचामृत का भी जो है आपको भोग लगाना है भगवान को और उससे स्नान भी कराना है, भोग भी लगाना है और उसका सेवन जो है आपको थोड़ा थोड़ा पूरे परिवार के सदस्य जरूर करें। ऐसा करने से आपको फायदा होगा, ऐसा करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही साथ दर्शकों, भगवान को अब गुलाल भी लगाना है। तो कहा जाता है कि अबीर गुलाल, लाल रंग का गुलाल अगर हो तो बहुत ही शुभ है। ऐसी बहनें जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसी बहनें जिनके विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, तो वो भगवान श्री कृष्ण को लाल रंग का गुलाल जो है उसको आप अर्पण करते हैं तो बहुत फायदा होगा। और साथ ही साथ ऐसे भाई जिनका व्यापार नहीं चल पा रहा है, जिनके व्यापार में दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, कार्य क्षेत्र में प्रगति नहीं हो पा रही है, तो हमारे ऐसे भाई अगर हरे रंग का गुलाल भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं तो उनके जीवन के अंदर उन्नति के मार्ग अवश्य ही प्रशस्त होंगे। साथ ही साथ हमारे ऐसे भाई जो बीमार रहते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, तो ऐसे हमारे भाई अगर पीले रंग का गुलाल भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं तो ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में हर प्रकार से लाभ होगा, आपके स्वास्थ्य में उन्नति के मार्ग अवश्य प्रशस्त होंगे। साथ ही साथ दर्शकों, अपने माता पिता के चरण छू करके उनसे आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि बुजुर्गों और बच्चों को होली के दिन बिल्कुल डांटना नहीं चाहिए और बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो नरसिंह भगवान जो है आपसे नाराज हो जाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि बुजुर्गों का आदर करना है और अगर आप वाकई में अपने जीवन में तरक्की की प्राप्ति चाहते हैं तो अपनी मां को कोई स्पेशल गिफ्ट या किसी भी प्रकार का उपहार जरूर दें या कोई दक्षिणा उनके हाथों में जरूर रखें। ऐसा करने से आपके घर में धन की बरकत होगी और जो है जीवन के अंदर हर संकट का नाश होगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दर्शकों,
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो शेयर, लाइक और अपने अच्छे अच्छे कमेंट हमें जरूर भेजें। साथ ही साथ दर्शकों, अगर आप मुझसे पर्सनल टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप हमारे astrotak.com पर जाकर के एस्ट्रोलॉजर रजत शर्मा के प्रोफाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली एक छोटे से प्रोसीजर को फॉलो करके आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। होली की लख लख बधाइयां आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।